अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा गैप आया था, वजह ये थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था, वुमेंस वर्ल्ड कप के कवर कर रहा था वहाँ पे। वहाँ की कहानियाँ फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं पाकिस्तान में जारी पीएसएल के रंगारंग मेले की। और ये रंगारंग मेला जो है पीएसएल का, थोड़े ही दिन में कराची आ जाएगा। 12 मार्च को जब यहाँ कराची में पीएसएल के मैचेस शुरू होंगे, तो पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। टकराएंगे लाहौर कलंदर और कराची किंग्स। कराची किंग्स जो लाहौर के ग्राउंड पे जाके बुरी तरह हारे, अब उन्हें लाहौर कलंदर को अपने ग्राउंड यानी कि कराची में बुरी तरह हराने का चैलेंज जो है वो दरपेश है। और इसके लिए तैयारियां यकीनी तौर पे कराची किंग्स भी करेगी। कल से उसने प्रैक्टिस शुरू करनी है। आज नेशनल स्टेडियम जो है वो तैयार हो रहा है, और आज उनकी टीम जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। स्टेडियम नहीं आएगी, स्टेडियम तो कल आएगी, लेकिन आज कराची किंग्स कराची लैंड कर जाएगी। नेशनल स्टेडियम कराची की बात करते हैं, जिसने इस हाई वोल्टेज मैच की मेज़बानी करनी है। ना सिर्फ इस मैच की बल्कि मजीद 4 मैचेस, मजमूई तौर पे 12 तारीख से 17 तारीख तक पीएसएल के मैचेस जो है वो यहाँ पर जारी रहेंगे। तो विकेट आपको दिखाऊं, क्यूरेटर इस पर हल्का हल्का काम कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है विकेट पे। ग्राउंड की बात करें तो पैटर्न, पूरे पैटर्न आपको दिखा सकते हैं हमारे दोस्त जो वीडियो बना रहे हैं। कितना खूबसूरत ये पैटर्न है जो बता रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची तैयार है, तैयार है मेला लूटने के लिए, तैयार है दिल जीतने के लिए, तैयार है चौके छक्कों की क्रिकेट से आपको एंटरटेन करने के लिए। तो यहाँ पर आज ग्राउंड में काम हो रहा है, थोड़ी देर में कुछ घंटों के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। वायर्स जो हैं वो बीच साइड्स पे चारों तरफ जो फेंस लगा हुआ है स्टेडियम के, यानी कि जो जालियाँ लगी हैं उनके इर्द गिर्द वायर्स तो फैला दी गई हैं। अब जो है वो यहाँ पे सिर्फ कैमरे की इंस्टॉलेशन होनी है। कैमरे की इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो डिजिटल बाउंड्री जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगी। स्पाइडर कैम ने यहाँ आकर इंस्टॉल होना है। गर्ज़ ये कि वो तमाम लवाजमात जो क्रिकेट की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, या हम कहते हैं कि वो तमाम टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया की लीग्स में जो है वो इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर होगी। बगी कैम नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में बगी कैम भी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि कराची में क्रिकेट वापस आ रही है, यानी कि पीएसएल को हम अगर कराची में रखें तो ये कराची में उसका दूसरा फेस होने जा रहा है। तो हाई वोल्टेज गेम्स होने हैं, तमाम टीमें यहाँ पर आएंगी, तमाम अपना एक्शन दिखाएंगी, रंग जमाएंगी। अगर हम पवेलियंस की बात कर लें तो पवेलियंस भी जो हैं वो तैयार हैं। तैयार इसलिए भी हैं कि ये तो सारा साल ऐसी लगी रहती हैं सीट्स, यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स ऐसी होती हैं, लेकिन तैयारी का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको धो दिया गया है, सफाई कर दी गई है। अगर हम दूसरी जानी भी दिखाएं आपको, यहाँ पे भी पवेलियन जो है वो चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। डिसिप्लिन में लगी हुई कुर्सियाँ और फिर सफाई का जो एहतमाम किया गया है वो बता रहा है कि कराची वाले पीएसएल को भरपूर तरीके से जो है वो वेलकम बैक करना चाहते हैं। और इस वेलकम बैक के लिए यहाँ पे तैयारियाँ सबके सामने हैं। अगर देखें आप ग्राउंड में तो जगह जगह पाइप्स जो हैं वो बिछे हुए हैं। ये सारी शावर्स हैं जो इस ग्रास को ग्रीन करने के लिए हर चंद घंटों के बाद जो है वो पानी देते हैं। जब तक सन होता है यानी कि धूप निकली होती है तो यहाँ पे पानी जो है वो दिया जाता है, ताकि ग्राउंड जो है वो हरा भरा नज़र आए। हरा भरा नज़र आएगा तो पैटर्न भी नुमाया होगा, और इसके अलावा गेंद जो है वो ट्रैवल अच्छा करेगी। इसको आउटफील्ड भी हम कहते हैं ग्रास को क्रिकेट की लैंग्वेज में। तो जितनी अच्छी आउटफील्ड होगी उतना अच्छा गेंद ट्रैवल करेगा, और जितना अच्छा गेंद ट्रैवल करेगा उतनी ज़्यादा बाउंड्रीज लगेंगी। यानी कि अगर एक शॉट जो है वो ग्राउंड शॉट होगा तो आउटफील्ड अगर फास्ट होगी तो वो बाउंड्री की तरफ तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करेगा। आउटफील्ड फास्ट कैसे होती है? जब ग्रास का साइज़ छोटा होता है। जब ग्रास का साइज़ बड़ा होता है तो वो आउटफील्ड स्लो कहलाती है, क्योंकि ग्रास जो है वो रेजिस्टेंस करती है, बॉल को रोकती है। तो यहाँ पे परफेक्ट कारपेट जो है वो ग्रास उसकी जो है वो इसकी पिक्चर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि कारपेट बिछा दिया हो, इतना खूबसूरत यहाँ पे इंतज़ाम है। पूरा ही ग्राउंड जो है पीएसएल का, कहीं पे भी अब ज़मीन की जो है वो सिटिंग नहीं है। हर जगह कुर्सियाँ लगी हुई हैं तमाम इंक्लोजर्स में, चाहे वो नसीमुल गनी और इकबाल कासिम इंक्लोजर्स जो जनरल इंक्लोजर्स हैं वो इंक्लोजर्स हों,
इमरान खान इनक्लोजर्स हों, फजल महमूद हो, वसीम अकरम हो, वसीम बारी हो, हनीफ मोहम्मद और जावेद मियांदाद तो वैसे ही यहाँ के VIP इंक्लोजर्स हैं। तो तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आप देख सकते हैं कि तैयार हैं, सिर्फ फिनिशिंग टच देना है। फिनिशिंग टच सिर्फ इसलिए देना है कि दोबारा क्रिकेट यहाँ पर जब आएगी तो उसके जो लवाजमात हैं वो मुकम्मल तौर पर दिखाए जाने हैं। तो अगर आपको वो ग्राउंड दिखा सकें तो आपको नज़र आ रहे होंगे, हैवी रोलर्स जो हैं वो वहाँ पर हैं ग्राउंड के आखिर पे, दो विकेट्स आपको इस तरफ और दो विकेट्स आपको उस तरफ नज़र आ रही होंगी। ये प्रैक्टिस विकेट्स कहलाती हैं, जब टीमें जो है वो प्रैक्टिस करना चाहती हैं। डैरेन सैमी जब PSL की ओपनिंग से पहले कराची पहुँच गए थे तो उन्होंने आके भी इन्हीं पिचेस पे जो है वो प्रैक्टिस की थी। अब कराची किंग्स जो है वो कल से अपनी तैयारियाँ इस ग्राउंड पर शुरू कर देगी। लाहौर कलंदर को तो शायद तैयारियों का मौका ना मिले, उसको डायरेक्ट आके मैच ही खेलना होगा और उस मैच के लिए वो पुरअज़म भी हैं, क्योंकि ये मैच मैं बार बार जैसे बता रहा हूँ कि हाई वोल्टेज गेम है। कराची किंग्स जहाँ PSL में अपना मैच आखिरी खेल के अब दो तीन दिन का आराम ले रही है, वहीं से उसको दोबारा मैच खेलना है या और उसी ओपोनेंट के ख़िलाफ़ खेलना है जिस ओपोनेंट ने कल उनको डंक मारे। बिल्कुल बैंड डंक की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से 12 छक्कों के डंक उन्होंने मारे कराची किंग्स को, उसके बाद कराची किंग्स बदहाल होगी और अपने ग्राउंड पे बदला लेना चाहेगी पूरा का पूरा स्टेडियम, क्योंकि ये स्टेडियम इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि सबसे ज़्यादा तमाशाई इस स्टेडियम में आते हैं। मुल्तान में बहुत तमाशाई थे, तमाम ग्राउंड्स में बहुत तमाशाई थे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा तमाशाई आते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा तमाशाई आते हैं तो उनके सामने क्रिकेट खेलने का मज़ा ही बहुत जो है दुबाला हो जाता है। तो कराची किंग्स को अगर होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा तो लाहौर कलंदर जो हैं उनको ये मज़ा आएगा कि हम जाके अपोनेंट टीम के ग्राउंड पे उसको हराएं। तो दोनों तरफ चैलेंजेस भी हैं और फिर लाहौर कलंदर की सिचुएशन भी ऐसी है कि उसको हर मैच जीतना होगा ताकि उसके चांस जो हैं वो ब्राइटर ना हो जाए बल्कि यकीनी हो जाए। तो यकीनी तौर पर वो अपने लिए कोशिशें कर रहे हैं, लाहौर कलंदर अपने लिए कोशिशें करेंगे, कराची किंग्स जाएंगे कि वो जान मारें और ये मैच जीतें। यहाँ पर अगर हम बात करें मौसम की, अगर हम मौसम की बात करें तो फुल सनी है और आने वाले तमाम मैचेस में ऐसा ही मौसम होगा। मतलब बादल जो हैं वो आसमां पे आएंगे ही नहीं, जब बादल आएंगे ही नहीं तो किसी भी गेम में ऐसा हम नहीं कह सकते कि रंग फीका पड़ेगा या बारिश जो है वो मैच के मज़े को किरकिरा कर देगी या डकवर्थ लुईस मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी तक की जो फोरकास्ट है वो यही बताती है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर वेदर जो है वो क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जब इसको स्केजुअल जो है तरतीब देते सॉरी तो उस टाइम जो है वो इस स्टेडियम को प्रायोरिटी देते, क्योंकि यहाँ पे वेदर बड़ा अच्छा होता है। अब वहाँ पे देखें आप पिंडी हो या लाहौर हो, वहाँ पे बारिश ने मैचों के मज़े किरकिरे किए। बहुत सारे टीमों का जो है वो ये शिकायत है कि DL की वजह से वो हार गए वरना वो मैच में जो है ना वापस आ सकते थे। अगर इस मौके पर हम, क्योंकि कराची जो है सिर्फ कराची किंग्स का ही होम ग्राउंड नहीं है, क्वेटा ग्लैडिएटर का भी ये होम ग्राउंड है, क्योंकि क्वेटा में मैचेस हो नहीं रहे तो इसलिए क्वेटा का होम ग्राउंड जो है वो कराची होता है। जब वो कराची से मुकाबला करेगी क्वेटा तब कराची का होम ग्राउंड हो रहेगा, लेकिन क्वेटा जब बाकी टीमों से मुकाबला करेगी तो ये ग्राउंड जो है वो क्वेटा का होम ग्राउंड होगा। तो क्वेटा की हमें बात करनी चाहिए कि क्वेटा क्या हो गया है, चैम्पियन टीम चैम्पियन जैसा परफॉर्म नहीं कर रही, मुसलसल शिकस्त से दो चार हो रही है, बद से बदतर परफॉर्मेंस करती जा रही है, बिल्कुल जी बुरी से बुरी परफॉर्मेंस कर रही है जो जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन एक बात जहन नशी रखने की ज़रूरत है कि कुछ तो गलत हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, और वो गलत ये हुआ कि उनके खिलाड़ी मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, मुसलसल मतलब वो एक मैच खेलते हैं फिर कहीं और जाना पड़ जाता है फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो ऐसे में जब आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होते हैं उनको अपनी फॉर्म रिगेन करने का मौका नहीं मिल पाता, और यही क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ हो रहा है। एक सेटबैक उनके साथ हुआ कि उनके जो है उमर अकमल अहम खिलाड़ी वो उस टीम का हिस्सा नहीं रहे, वो फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से मुअत्तल कर दिए गए। उसके बाद उनके बाकी खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म हासिल नहीं कर पा रहे, तो जब फॉर्म नहीं मिलेगी तब परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ेगी, ये एक दर्द सर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। हर कोई चाहता है कि ग्लैडिएटर अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और अच्छा ना परफॉर्म करने के 100 बहाने हैं जो वो दे सकते हैं, जिनमें एक ये भी है कि उनकी टीम मुसलसल सफ़र में है, लेकिन उसके बावजूद चैंपियंस तो चैंपियन होते हैं, उन्हें तो अपने आप को मनवाना होता है, हर हालात में करके दिखाना होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। जब कर नहीं पा रहे तब वो मुश्किल में है। अच्छी बात ये है क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद के लिए
कि ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए उनके लिए बड़ा अहम इवेंट जो है वो करार दिया जा रहा था। खुद वो मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा था कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में जगह हासिल करूंगा, क्योंकि आगे एशिया कप भी T20 है, फिर वर्ल्ड कप भी T20 है, तो वो उनकी नज़रें उस पर थी, लेकिन वो भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मगर उनके लिए अच्छी बात ये है कि मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनको कराची किंग्स खिला ही नहीं रही। कैसी अजीब बात है कि जो पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी है उसको कराची किंग्स नहीं खिला रही। तो ऐसे में सरफराज के इम्कान रोशन हैं कि वो अभी भी परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में अपनी जगह वापस हासिल कर सकते हैं।